नमस्कार, आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रदेश की कैबिनेट एवं जिले के कोरोना प्रभारी मंत्री प्रेम सिंह पटेल बुधवार को ग्राम बोरकुंड सिंधवानी चेरवी रोसर हल्ला गुड्डी लिंबी बमनाली पहुंचकर ग्रामीणों को कोरोना के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने से होने वाले लाभ से अवगत कराया। वहीं ग्रामीणों को कोरोना वैक्सीन से होने वाले लाभ के बारे में भी बताया गया है। साथ ही वैक्सीनेशन के लिए जो लोग भ्रम फैला रहे हैं उस पर कानूनी कार्रवाई कराई जाने की बात कही जा रही। इस दौरान मंत्री ने ग्रामीणों को सैनिटाइजर की बोतल और मास्क का वितरण भी निःशुल्क किया। साथ ही उन्हें बताया कि यदि ग्राम में किसी को भी सर्दी खांसी बुखार आ रहा हो तो वह अविलंब होकर क्वारंटाइन होते हुए नर्स आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ता और ग्राम पंचायत सचिव को इसकी जानकारी दे, जिससे उनका समुचित जांच करवाकर उपयुक्त दवाई दी जा सके। इसके अलावा प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत निःशुल्क इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए प्रेरित किया। वहीं मंत्री जी ने जिम्मेदार सचिव पटेल सरपंच को भी निर्देशित किया कि सभी लोगों के आयुष्मान कार्ड बनवाए। ग्रामों में पहुंचे कैबिनेट मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने ग्रामीणों को बताया कि यदि उनके घर में सर्दी खांसी बुखार से पीड़ित लोगों को पृथक से रखने की व्यवस्था नहीं हो तो वे इन्हें पंचायत स्कूल छात्रावास में बनाए गए कोरोना केयर सेंटर में भी रख सकते हैं, जहां उनके खाने पीने की समुचित व्यवस्था ग्राम पंचायत के माध्यम से करवाई जा रही है। ग्राम हरला में उपस्थित लोगों ने किसान सम्मान निधि नहीं मिलने की शिकायत की है। वहीं मंत्री ने उपस्थित नायब तहसीलदार को निर्देशित किया कि शिकायत की जांच कर समय पर निराकरण करे। इसी तरह ग्राम पंचायत लिंबी में राशन नहीं मिलने की शिकायत पर संबंधित ग्राम पंचायत सचिव को निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान जनपद पंचायत उपाध्यक्ष देवेंद्र मालविया और पूर्व जनपद पंचायत अध्यक्ष वर्मा सोलंकी, मंडल अध्यक्ष श्रीकांत त्रिपाठी, भाजपा मंडल बड़वानी अध्यक्ष कृष्णा गोले, विकास यादव सहित अन्य प्रशासनिक अमला मौजूद रहा है। महाराष्ट्र से कोरोना ज्यादा फैला है। हमारा दायित्व बनता है कि बड़वानी विधानसभा महाराष्ट्र से लगी हुई है, तो हमारे जो आदिवासी भाई हैं इस क्षेत्र में बसे हुए हैं, तो इनको समझाना हमारा जरूरी काम है। इसलिए आज हम लोग यहाँ पर आए और उनको हम लोगों ने बताया, एक तो मास्क लगाना चाहिए, दूसरी बात दूर दूर रहना चाहिए और गांव से गांव में ही रहना चाहिए। और सरकार की जो योजना है, एक से एक योजना है, सामग्री खाने के लिए भी सरकार 5 माह के लिए दी जा रही है, ये भी व्यवस्था की गई है। और टीम बनकर गांव-गांव जाकर फले फले जाकर उनको दवाइयां भी, जो बीमार है उन बीमारों को भी एक सेंटर बनाया गया है, उस सेंटर में ले जाकर उसका इलाज भी किया जा रहा है। मंत्री जी, आप पहले से मंत्री होके जो कोरोना काल में भी लोगों के हालचाल जानने जा रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? आदिवासी हूँ और आदिवासी की दुख दर्द को जानता हूँ। कई मैंने देखे हैं, क्योंकि मैं पहली बार का विधायक नहीं, मैं त्रियाणों से विधायक हूँ, मैंने बीमारियाँ भी देखी, बीमारियों के बारे में वो बचता है तो बचता है, तो समाप्त हो जाती है। मास्क वितरण भी किया है, मुँह पे हाथ धोने के लिए तो उनसे चर्चा भी की, हम लोग ने दिया काबू पे हाथ धोने के लिए तो उनसे चर्चा भी की। क्या कहना चाहोगे लोगों को और कोरोना संक्रमण से? उनको हम लोगों ने बोला, पटेल पुजारा वारसी गांव का किया, उनको हम लोगों ने बोला है कि आप भी इस चीज़ को समझाएं, तो हमारे लोग क्योंकि जात को जात देख कर समझते हैं, जिस रीति रिवाज वाले लोग ही जिस चीज़ को जानते हैं, तो हमारी भाषा में उन लोगों को अच्छी बातें बताई। उन लोगों ने भी माना कि सही बात है कि बीमारी ज़्यादा फैल रही है, इसको बचने के लिए घर छोड़ के हम कहीं बाहर नहीं जाएंगे। उन्होंने भी रोड पे जैसा रोक कर गांव में दूसरे लोगों को घुसने दे रहे हैं। आज हमारे 3-4 पंचायत का दौरा है और सभी हम पटेल पुजारा सरपंच सचिव टीम वगैरह सबसे हम बात करेंगे। मेरे बड़वानी के सभी अधिकारी भी हमारे साथ में हैं, नेता लोग भी। बड़वानी को हम लोगों ने और हमारे जो अधिकारी मेहनत से कोरोना रुका है, कमी हुई है। जो पहले पहले हम लोगों को भी समझ भी नहीं आई, अचानक कोरोना आया और हम लोग जो हमारी सामग्री है ऑक्सीजन। बड़वानी से शकील मंसूरी की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही, आगे की और खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे आज तक 24 न्यूज़।